आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेमेटोड अर्थराइटिस एंड रेमेटोड अर्थराइटिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक like इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं एंड ये अराउंड टेन टू फिफ्टीन के मार्क्स के अंदर पूछे ही जाते हैं इसीलिए ये जो टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन क्लिनिकल आर्थोपैटिक्स एंड इसके अलावा भी मैंने क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने चैनल पर कवर कर दिए हैं जिसमें मैंने ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑस्टिपोरोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस फ्रैक्चर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर पर वीडियोज़ मैंने अपडेट कर दिए हैं एंड अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोज़ अपडेटेड हैं आप वो सारे वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस अबाउट रोमेटोड अर्थराइटिस सो इन द वर्ड रोमेटोइड अर्थराइटिस रेमिटोइड कम्स फ्रॉम अ वर्ड रोमेटिज्म विच मीन्स एनी मस्क्यूलो स्केलेटल इलनेस एंड इन द वर्ड अर्थराइटिस द अर्थस मीन्स कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीन्स ज्वाइंट एंड आइटिस मीन्स इंफॉर्मेशन Itis is always is related to inflammation. Itis means inflammation. So any type of musculoskeletal illness which causes inflammation in joint is called as rheumatoid arthritis. So let's discuss the definition. What, what is rheumatoid arthritis? So rheumatoid arthritis is a chronic, progressive, systemic, inflammatory and autoimmune disorder. रेमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है ये एक तरह का क्रॉनिक डिजीज है मीन्स ये जो डिजीज़ है वो लंबे समय तक परसिस्ट करता है किसी भी पर्सन में सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ ये जो डिजीज़ है वो किसी पर्सन में ग्रेजुअली डेवलप होता है थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़ मीन्स ये जो डिजीज़ है वो हमारे मोस्टली बोन्स और जॉइंट्स को अफेक्ट करता है बट बोन्स एंड जॉइंट्स मसल्स को अफेक्ट करने के अलावा भी ये हमारे बॉडी पार्ट्स को अदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है सच एज़ अदर लंग्स हार्ट किडनी एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स एज वेल एज ये हमारे टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मीन्स ये जो डिजीज़ है वो मोस्टली इन्फ्लामेशन को इन्वॉल्व करता है लाइक like, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लामे inflammation... और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ये मतलब है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ही सेल्स को हमारे ओन सेल्स जो होते हैं उसी को एंटीजन समझ के हमारे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और इसी कंडीशन की वजह से रेमेटोड अर्थराइटिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वही हमारे बॉडी के सेल्स पे ख़ुद से ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है एंड जब इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं जो आस के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं इसलिए ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है नेक्स्ट पॉइंट इज विच मेनली अफेक्ट्स द जॉइंट्स बट मे अफेक्ट्स अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा तो चलिए हम इस डिजीज़ के एटियालॉजी मीन्स इसके कारण के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो कैसे कॉज होती है सो so इसका जो प्राइमरी कॉज होता है वो अनोन है इसका जो प्राइमरी कॉज है वो अनोन है हमें नहीं पता है कि ये जो डिजीज़ है वो कैसे डेवलप होती है बट जो सेकेंडरी कॉज है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जेनेटिक्स प्री डिस्पोजिशन इसमें क्या होता है कुछ म्यूटेटेड जीन्स होते हैं कुछ डैमेज जीन्स gene होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो डेवलप हो सकती है और इसमें कुछ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं सचैस एच आर ए एंड एच आर ये जो दोनों फैक्टर्स है, हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं रेमिटोइ अर्थराइटिस को कॉज करने में एंड जेनेटिक्स के अलावा भी जेनेटिक्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि उन जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं उन म्यूटेटेड जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो किसी पर्सन को हो जाती है इसके अलावा सम वायरस और बैक्टीरिया की वजह से भी रोमेटॉल अर्थराइटिस ट्रिगर कर सकता है सच एज़ माइको प्लाज्मा एंड सम वायरस इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो बढ़ सकती है ये जो डिजीज़ है वो ट्रिगर हो सकती है ऐसे रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला है वो है एज सर्टेन एज ग्रुप को ही ये अफेक्ट करता है सच एज़ ट्वेंटी टू सिक्सटी ईयर्स ऑफ पीपल्स को ये मोस्टली अफेक्ट करता है अदरवाइज जेंडर में ये फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है फीमेल्स में भी वुमेंस को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है अदरवाइज़ ओबेसिटी मोटापा एक तरह का इसका रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है या तो कोई पर्सन स्मोकिंग या तो एल्कोहल लेता है उसकी वजह से भी ये जो जीन्स होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये किसी पर्सन को ये डिजीज़ हो सकती है सो so, ये था इसका कारण और ये था इसका कॉज अब जान लेते हैं इस डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के बारे में लाइक like, इस डिजीज़ के कौन कौन से स्टेज देखे गए हैं सो दिस डिजीज हैविंग फोर स्टेज इस डिजीज़ के मोस्टली फोर स्टेज देखने को मिलते हैं सो फर्स्ट स्टेज इस प्री क्लिनिकल स्टेज सेकेंड स्टेज इज स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस साइनोवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियम इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियम साइनोवियम एक तरह के लेयर होती है जो कि ज्वाइंट्स में प्रजेंट होती है थर्ड स्टेज स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन तो जाहिर सी बात है अगर साइनोवियम का इन्फ्लामेशन होगा तो जॉइंट जो, जो होगा उसमें डैमेज देखने को मिलेगा एंड डैमेज के बाद जो डिस्ट्रक्शन फ़ेज़ आता है उसके बाद जो जॉइंट होगा वो डैमेज होना स्टार्ट करेगा एंड आस के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होंगे फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ डिफॉर्मिटी तो अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ मसल्स एंड जितने भी आर्टिकुलर कार्टिलेज जो भी ज्वाइंट्स में जितने भी लेयर्स होते हैं अगर वो डैमेज होना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर जॉइंट है वो डिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ता है सो फोर्थ स्टेज में जो डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी सो ये थे इसके स्टेज आप जान लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में सो साइन एंड सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पेन पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है जॉइंट के अराउंड जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग देखने को मिलती है स्टिफनेस मीन्स अकड़न देखने को मिलती है टेंडरनेस देखने को मिलता है और ये मोस्टली दो जॉइंट्स में होना चाहिए मीन्स मोर देन वन ज्वाइंट में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दो या दो से ज्यादा जॉइंट में अदरवाइज अदर सिम्टम्स क्या आते हैं पेशेंट में अदर सिम्टम्स में पेशेंट को थकावट होती है उसको मसल वीकनेस होता है फीवर होता है एंड ये ध्यान रखना है कि लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है साथ ही साथ पेशेंट को भूख नहीं लगती है उसका जो लॉस ऑफ एपीटाइट होता है देखने को मिलता है एज वेल एज़ जो जॉइंट्स होते हैं उसमें उसका जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है एंड जॉइंट का फंक्शन अगर लॉस हो जाएगा तो जाहिर जाएग सी बात है जो जॉइंट है वो डिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ेगा एंड जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं तो so, ये सारे जो है, होते हैं वो साइन सिम्टम्स होते हैं रेमेटो अर्थराइटस के एंड अब जान लेते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं जो कि रेमेडोइ अर्थराइटिस में अफेक्टेड देखने को मिलते हैं सो so, जो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स होते हैं जो कि रेमेटोइड अर्थराइटिस देखने को मिलता है वो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं एंड स्मॉल जॉइंट्स में भी मेटाफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ हैंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स एंड रिस्ट नीज एल्बो एंड एंकल ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो रेमेटोल अर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं इन्हीं सारे जॉइंट्स को रोमेटॉय अर्थराइटिस अफेक्ट करता है मोस्टली इन्हीं सारे जॉइंट्स में रेमेटोल अर्थराइटिस होता है बट जो लेस कॉमन जॉइंट है जिसमें रेमेटोल अर्थराइटिस बहुत ही कम देखने को मिलता है वो है हिप जॉइंट अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में कि ये डिजीज़ को हम कैसे डायग्नोस करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो डिजीज़ है वो रेमेटोल अर्थराइटिस ही है या कोई अदर अर्थराइटिस नहीं है सो इन डायग्नोसिस सबसे पहले हम पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जॉइंट का एग्जामिनेशन करेंगे मोस्टली स्वेलिंग एंड वाम्थ अराउंड द जॉइंट चेक करेंगे पेशेंट का मोशन कराएंगे जॉइंट का मोशन कराएंगे अगर वो पेनफुल है तो वो हम चेक करेंगे लम्स चेक करेंगे कि स्किन के अंदर कोई लम्ब्स तो नहीं प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं रेमेटोड नोड्यूल्स एंड ये मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट होता है सिग्निफिकेंट दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ़ रेमेटोर अर्थराइटिस अदरवाइज़ जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं यहाँ पे सारे प्रेजेंट हैं हैंड में भी होता है एल्बो में नी में एंकल में एंड फुट में ये सारी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो रेमेटोर अर्थराइटिस में देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर नेक्स्ट इसका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम अफेक्टेड जॉइंट का एक्सरे कराते हैं एंड रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग के बाद हम लैब टेस्ट की तरफ पेशेंट को एडवाइस करते हैं एंड लैब टेस्ट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट है जिससे कन्फर्म हो जाता है कि किसी पर्सन को रेमेटोड अर्थराइटिस है वो है एंटी साइक्लिक सिक्टोरेटेड पैप्टाइड एंटी सीसी पी टेस्ट जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमें हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाता है कि किसी पर्सन को रेमेटोड अर्थराइटिस है अगर ये एंटीबॉडी किसी के बॉडी में प्रेजेंट है इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रेमेटोड अर्थराइटिस इसके अलावा आर ए फ को भी देखते हैं रिमोटोइट फैक्टर जिसमें ये सारे जो एंटीबॉडीज़ हैं अगर प्रेजेंट है इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आर ए सो ये था इसका डायग्नोसिस अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में कि ये जो डिजीज़ है इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है सो so, मैनेजमेंट में मोस्टली मेडिकल मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं एंड मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इंक्लूड है एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम कुछ सर्टेन मेडिसिन से पेशेंट का जो होता है ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं वो है एन एस सी आई डीज मीनस नॉन एस्टोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विच रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन

इसके अलावा हम पेशेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अच्छी डाइट लेने को एडवाइस करते हैं विच इंक्लूड्स ओमेगा थ्री एंड ओमेगा थ्री जो होता है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है तो उसको हम अच्छी डाइट लेने को रिकमेंड करते हैं साथ ही साथ उसको एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करते हैं एज वेल एज न्यूट्रिशन में वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लाइक फॉलिक एसिड मल्टी एंड सर्टिन मिनरल्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करें सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट अब जान लेते हैं इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट मेनली डील करता है डिफॉर्मिटी को रिड्यूस uh, करने में एंड डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए हम पेशेंट को स्प्रिंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे जो उसका अफेक्टेड जॉइंट है उसका मूवमेंट अनवॉन्टेड ना हो और वो ईजिली मूव कर सके साथ ही साथ पेशेंट को एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज जो कि उसके मसल स्ट्रेंथ के लिए एंड ज्वाइंट मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है तो ये था इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट अब जान लेते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में कि लाइक अगर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट से जो डिजीज़ है वो नहीं सही होती है तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं सर्जरी की तरफ एंड जो मोस्ट कॉमन सर्जरी इस डिजीज़ में किसी को हम एडवाइस देते हैं वो है साइनोवेक्टमी साइनोवेक्टमी एंड इन दिस सर्जिकल प्रोसीजर विच वी मेनली रिमूव द साइनोवियम मीन्स द डैमेज साइनोवियल लेयर विच गॉट इनफ्लेम्ड इन द जॉइंट एंड इसके अलावा भी आर्थोप्लास्टी भी हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं एंड आर्थोप्लास्टी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द अफेक्टेड जॉइंट इज रिमूव्ड बाय सर्जरी सो ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट एंड ये था रिमिटॉयड अर्थराइटिस का लेक्चर एंड आई होप सो कि यू ऑल लाइक दिस लेक्चर एंड इफ यू वांट एनी डाउट एंड हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन कॉमेंट इन माई कॉमेंट सेक्शन तब तक एंड टेक